हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज स्टडिंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन. सो आज इस वीडियो में बहुत ही कम टाइम में लास्ट ईयर के 2020 के बोर्ड एग्जाम के जो सारे सेट्स हैं उसमें से 10 सारे एक वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि एक बार में मैं लिख नहीं सकता, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा. मुझे आपका कम से कम टाइम में अधिक से अधिक हेल्प चाहिए. तो ये लिख दिए हैं, इनका मैं आंसर यहीं बताऊंगा आपको. किस तरह सेंटेक्स करेंगे, सेंटेक्स क्या है, हाउ टू करेक्ट द सेंटेंस, जो लिखा हुआ उसे कैसे ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, तो इसे सेंटेक्स कहते हैं. तो पहला है आई प्रेफर मिल्क देन टी. ये आया था, आपको यहाँ देन हटाना था और यहाँ पर टू यूज करना था. दूसरा, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, देखने में लगता है नाउन फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये प्लुरल हैं लेकिन ये सिंगुलर हैं. तो यहाँ आर हटाएंगे और यहाँ पर हम इस करेंगे. फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. मुझे लगता है ये बात किसी फिजिक्स टीचर ने कही होगी, क्योंकि बाकी तो कोई मानेगा नहीं इंटरेस्टिंग. और बहुत लोग जो फिजिक्स है, मैथ्स है, इन्हें बड़ा लोग थक जाते हैं. कुछ इंग्लिश को भी ऐसे ही कहते हैं, बहुत हार्ड है, इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा. मेरा ये मानना है दोस्तों, कोई भी इंटरेस्ट सब्जेक्ट में नहीं, पढ़ाने के मेथड में होता है. आइए आगे बढ़ते हैं. सो ही इज एन यूरोपियन. यूरोपियन में ई है लेकिन साउंड कर रहा है यू, इसलिए यहाँ पर ए आएगा. तो ही इज ए यूरोपियन बाय बर्थ. अगला, द कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है. हालांकि मजे की बात इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर बताना चाहूँगा, मुझे भी लगता था कि सिडनी, मेलबोर्न, ये बड़े बड़े शहर हैं, एडिलेड, इनकी राजधानी होंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है. तो यहाँ पर इससे पहले कभी भी दा नहीं लगाते, तो ये करेक्शन हो गया. हिज ब्रदर इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिटी, यहाँ पर हम यू से स्टार्ट कर रहे होते हैं और यू ही लिखा होता है, इसलिए यहाँ पर इससे पहले हमेशा ए लगाएंगे, कभी भी एन नहीं लगाएंगे. तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो गया. सन राइजेज इन ईस्ट. तो यहाँ इससे पहले भी दा लगेगा और यहाँ भी दा लगेगा, क्योंकि ईस्ट वेस्ट ये सब इससे पहले दा आता है, और जो दुनिया में एक ही है, चाहे वो सन है, मून है, अर्थ है, इन सबसे पहले दा आता है. जो दुनिया में अपनी तरह के एक ही, अपनी खुद की पर्सनालिटी है, जिनकी पहचान है, रिकग्निशन है, तो उनसे पहले दा लगाएंगे. दा ताजमहल, द रेड फोर्ट, यू नो, द गेट वे ऑफ इंडिया. द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ. कोई भी गुनाह कर रहे होते हैं उसका परिणाम हमें मौत मिलता है, उसकी जो हमें बाद में जो हमारा जो वेजेस मिल रहा है, हमारी दिहाड़ी मजदूरी है, तो बुराई की का जो रिस्पांस है वो मौत है, यहाँ पर पाप. दिस बुक कंप्राइजेस ऑफ 100 पेज. यहाँ पर 100 की ज़रूरत नहीं है, इस किताब में 100 पेज हैं, या एक किताब 100 पेज रखती है. तो कंप्राइजेस दिस न्यूज़. न्यूज़ देखने में लगता है प्लुरल, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ही होती है. तो द न्यूज, दिस न्यूज इज करेक्ट. एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर, न्यूज की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. तो चारों दिशाओं को इकट्ठा करके बन जाती है न्यूज. लगा ना मजेदार? तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताते रहेंगे. सो प्लीज चैनल से जुड़े रहिए. नेक्स्ट, कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. जब वन ऑफ द आता है तो हमेशा यहाँ पर प्लुरल हो जाएगा. पोइट्स ऑफ संस्कृत. कालिदास संस्कृत के महानतम कवियों में से एक थे, ना कि महानतम कवि में से एक, नहीं, उस कवियों में से एक. अगर यहाँ पर वन ऑफ ना होता, केवल दा होता, तो ग्रेटेस्ट आता. सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक बनता है साथियों, इसे आप उतार सकते हैं, इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए. सो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू. सो बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, नहीं किया है तो जस्ट अभी सब्सक्राइब करें, जी इसी बटन को दबाकर.